बीजेपी खेमे में खलबली मची है नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद। आज की डेट में नीतीश कुमार से पहले जाकर सीएम आवास में मिलना साफ संकेत है कि बीजेपी खेमे में खलबली मची है। इसे 4 महीने का इंतजार कीजिए और उसके बाद चाचा पलटी मार गए। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार उधर जाकर हमने गलती कर दी। गलती किया 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। चिराग ने जैसी ही आंख दिखलाई मोदी सरकार बैक फुट पर आई। चिराग ने जिस तरह से एग्रेसिव विरोध किया उसको लेकर भाजपा तनाव में थी। कहा जाता है ना कि आप हमारे लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। थोड़ा सा भी ये हिंट आएगा बीजेपी को कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हम आपके साथ हैं, बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर खलबली नहीं मचती तो संभवतः जेपी नड्डा सीधे कार्यक्रम में पहुंचते और वहां पे नीतीश कुमार भी पहुंचते और दोनों में बातचीत होती। तनाव को देखिए, बीजेपी ने पहले चिराग के साथ जो तनाव की खबरें आ रही थी उसे क्लियर किया। चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई इनके बिना सरकार अस्थिर हो जाएगी, और मजबूरी इसलिए है कि आज पहली बार हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि अपने ही फैसलों से उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। क्या बिहार में फिर से खेला होने वाला है? ये सवाल बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। जिस तरीके से हमने भी आपको बताया था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बंद कमरे में एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात होती है, इसके बाद से लगातार ये सवाल उठाए जाने लगे कि क्या फिर से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार दौरे पर आते हैं और कहीं ना कहीं बिहार दौरे पर आने के बाद वो फौरन नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर। अब मुलाकात के बाद दोनों साथ में एक कार्यक्रम में भी जाते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान देकर समझे कि किस तरीके से जो कयास लगाए जाने लगे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद और उसी बीच जेपी नड्डा की एंट्री हो जाती है बिहार की सियासत में, जिस तरीके से उन्होंने बिहार दौरे पर आने का काम किया। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे अमित झा सर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से एक ओर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ जाते हैं, तो क्या माने हम कि आंख दिखाने के जैसा ये हो रहा है? नहीं, आपने सवाल बिल्कुल सही किया और जो आपका एंगल है वो भी एक इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय है राजनंद ने जी। लेकिन आपने कहा कि आपने 2 सवाल किए, क्या नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद ये जेपी नड्डा बिहार आए हैं, और दूसरा आपने कहा कि क्या ये बीजेपी के द्वारा आंख दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार को जी। दोनों चीजें नहीं है। पहले तो हम क्लियर कर दें कि जेपी नड्डा का पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था कि वो बिहार दौरे पे आएंगे जी। दूसरी चीज है कि बीजेपी क्या अभी इस स्थिति में है कि नीतीश कुमार को आंख दिखला पाए? नहीं, बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को आंख दिखला पाए। बीजेपी इस स्थिति में है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह खुश करके उनका मान मलब्बर करके अपने पाले में ही रखना है। अब इस सियासत को समझिए, ठीक है, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बिहार दौरा आया है। ऐसा भी नहीं है कि कभी जेपी नड्डा या बीजेपी के जब बड़े नेता आए हैं उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात नहीं की है उनके सीएम आवास पे, लेकिन कई बार नहीं भी गए हैं। जैसे आज भी जब उनका कार्यक्रम दूसरे जिले में लगा हुआ है, आज स्वास्थ्य कार्यक्रम जहां पे सीएम को भी जाना था, तो डायरेक्ट जेपी नड्डा वहीं नीतीश कुमार से मिल सकते थे। लेकिन आज की डेट में नीतीश कुमार से पहले जाकर सीएम आवास में मिलना ये साफ संकेत है कि बीजेपी खेमे में खलबली मची है। बीजेपी खेमे में खलबली मची है जी, बिल्कुल जी। बीजेपी खेमे में खलबली मची है नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद, और अगर खलबली नहीं मचती तो संभवतः जेपी नड्डा सीधे कार्यक्रम में पहुंचते और वहां पे नीतीश कुमार भी पहुंचते और दोनों में बातचीत होती। दोनों बड़े नेता हैं, दोनों अपने गठबंधन के में अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली को नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, बिहार को नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मुलाकात करने गए तो मतलब गड़बड़ी है कुछ? नहीं, गड़बड़ी हो ना हो, देखिए गड़बड़ी हो ना हो भले ही ये चर्चा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम नीतीश कुमार ने मन मना लिया जैसे दूसरे चैनल चला रहे हैं कि बस 3 से 4 महीने का इंतजार कीजिए और उसके बाद चाचा पलटी मार गए। ऐसा नहीं है।
देखिए, अगर अभी थोड़ा सा भी ये हिंट आएगा बीजेपी को कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी, जो आप कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार आज दो वैशाखी पे है, एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है, एकदम खलबली मच जाएगी। लेकिन अगर खलबली नहीं भी मची है, ये सिर्फ एक कयास मात्र है, तो कयास मात्र को भी खत्म करना जरूरी है। आपने देखा होगा ना, देखिए आज जेपी नड्डा ने पहले सीएम आवास पे जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, दोनों नेताओं के साथ बिहार बीजेपी के और जेडीयू के अन्य नेता भी थे, जेडीयू की ओर से संजय झा, बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम नेता थे। उसके बाद जब सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, तब नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि दो बार उधर जाकर हमने गलती कर दी। किधर जाकर? इंडिया गठबंधन की ओर, हाँ, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ जाकर। अब ऐसा नहीं करने वाले हैं, यानी फिर से नीतीश कुमार ने भी भरोसा दिला दिया है बीजेपी को कि आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हम आपके साथ हैं, बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवइबे करते। हमसे गलती किया दो बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए, अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। तो बीच में कभी दो बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ। आखिर अगर खलबली नहीं मचती, अगर कयास जिस तरह से लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह से ये तैर रहा है हैशटैग पलटी मार नीतीश कुमार जी, तो ये जेपी नड्डा का पटना आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करना और नीतीश कुमार का फिर से क्लेरिफिकेशन देना कि नहीं भाई, हमने उधर जाकर दो बार गलती कर दी, अब हम नहीं जा रहे हैं, ये चीज नहीं होता। और यही सेम चीज चिराग पासवान के साथ हुआ था, जब चिराग पासवान ने बैक टू बैक तीन फैसलों में एग्रेसिव होकर, देखिए मैं बार बार कहता हूं, आप सहयोगी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक फैसला आप बीजेपी के पक्ष में ही लेंगे, लेकिन एक होता है सांकेतिक विरोध कि नहीं, हम इस फैसले का स्वागत नहीं करते हैं, बीजेपी को या हमारी सरकार को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, और एक होता है एग्रेसिव विरोध। तो चिराग ने जिस तरह से एग्रेसिव विरोध किया, उसको लेकर भाजपा तनाव में थी, लेकिन जब जिस दिन ही पशुपति कुमार पारस से अमित शाह की तस्वीर सामने आई, उसके बाद से देखिए चिराग के सुर जो है लगातार बदले। चिराग पासवान ने लगातार ये भरोसा दिलाया कि नहीं, हम बीजेपी के साथ हैं, और इस 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी हैं, मतलब इस 5 साल की तो सिक्योरिटी दे ही चुके हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स की भी वो सिक्योरिटी दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मैं बीजेपी से नाराज हूं या बीजेपी मुझसे नाराज है, कुछ इस तरह की बात है। उसके बाद आप देखिए अमित शाह से चिराग पासवान भी मिलते हैं, चिराग पासवान अमित शाह से नहीं बल्कि जेपी नड्डा से भी जाकर दिल्ली में मुलाकात करते हैं। तो ये देखिए, ये जो गठबंधन है ना, बिल्कुल वैसाखी पे ये सरकार टिकी हुई है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं वैसाखी पे टिकी हुई है तो बीजेपी कमजोर है, बीजेपी आज भी उतनी स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन तनाव तो हो ही जाता है ना, जब चाचा भतीजे की मुलाकात होगी और उसके बाद लालू यादव बैक टू बैक दो मीटिंग बुला लेंगे, तो चर्चाओं के बाजार के बीच में तनाव तो हो ही जाएगा। तो इस तनाव को देखिए, बीजेपी ने पहले चिराग के साथ जो तनाव की खबरें आ रही थी उसे क्लियर किया, तमाम चीजें अब शांत हो गई। कितनी चीजें हो रही थी कि चिराग इंडिया ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे, चिराग की पार्टी को बीजेपी इधर तोड़ने की कोशिश कर रही है, तमाम कयासों पे विराम लग गया। अब यही 2-3 दिन से जो नीतीश और तेजस्वी के बारे में चल रहा था, उसी कयास को विराम देने के लिए जेपी नड्डा पहले सीएम आवास जाकर नीतीश से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हैं, भरे मन से ये कहते हैं कि हमने दो बार उधर जाकर गलती कर दी, अब ये नहीं होने जा रहा है। तो ये मेन एंगल है। तो मतलब विधानसभा चुनाव से पहले खेला नहीं होने वाला है, जेपी नड्डा की मौजूदगी बिहार दौरे पर और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया
इन सभी चीजों को देखें तो विधानसभा चुनाव से पहले कोई खेला नहीं होने वाला बिहार में? नहीं, बीजेपी के लिए तो ये है कि विधानसभा के बाद भी अगर खेला हो जाएगा तब तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार स्थिर हो ही जाएगी ना। नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए कि आने वाले 5 सालों में इस तरह का कोई खेला ना हो, 5 सालों में कोई खेला ना हो, हाँ, ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूती से जिस तरह से काम कर रही है काम करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे मुद्दे कई बार आएंगे जहां पर आपको नीतीश का विरोध देखने को मिलेगा, जहां पर आपको चंद्रबाबू नायडू का विरोध देखने को मिलेगा, जहां पर संभवतः फिर से चिराग पासवान विरोध करते नजर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसा ना हो कि कोई भी सहयोगी दल ये फैसला ले ले कि हम साथ छोड़ रहे हैं आपका और साथ छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये बीजेपी नहीं होने देना चाहती है। इसलिए देखिए कहा जाता है ना कि आप हमारे लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। तो आज चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। जरूरी इसलिए हैं क्योंकि भाई इनके बिना सरकार अस्थिर हो जाएगी, और मजबूरी इसलिए हैं कि आज पहली बार हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि अपने ही फैसलों से उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। संभवतः पिछले 2 टर्म में नरेंद्र मोदी शायद ही 1-2 मामले ऐसे होंगे जहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार अपने फैसलों से बैक आई होगी, लेकिन अब देखिए लगातार जो फैसले वाले, पहले वक्फ बोर्ड में जेपीसी का गठन, यानी सरकार कहीं ना कहीं बैक आई, मतलब चिराग आंख दिखाई और बीजेपी डर गई। हाँ, सिर्फ चिराग नहीं हुआ, उसमें जेडीयू की भी मांग थी। भले ही ललन सिंह ने लोकसभा के अंदर सपोर्ट किया था बिल का, लेकिन जेडीयू का जो नेतृत्व है उन्होंने कहा कि नहीं जेपीसी का गठन होना चाहिए, तो जेपीसी का गठन हुआ। उसके बाद जो यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मामला था, चिराग ने जैसी ही आंख दिखलाई मोदी सरकार बैक फुट पर आई। तो ये दिखला रहा है कि सहयोगी जरूरी भी है और मजबूरी भी है, लेकिन ये खुशखबरी वाली बात है कि जिस तरह से चिराग समझ गए हैं, अब नीतीश कुमार के तरफ से भी क्लियर हो गया और ये सार्वजनिक तौर पे क्लियर हुआ है, और ये पहल बीजेपी ने के तरफ से हुई। लेकिन नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया, लेकिन जिस समय से दोनों की मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, उस वक्त से ये देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बयान नीतीश कुमार को लेकर थोड़े बदले बदले से हैं। जिस तरीके से पहले वो रूखे तेवर में आते थे, नीतीश कुमार को लेकर बयान देते थे, अब सीधे नीतीश कुमार की बातों से तेजस्वी यादव बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो तेजस्वी यादव और उनकी राजनीति जान, देखिए राजनीति में कभी कभी होता क्या है, राजनीति आप उन कयासों को जन्म देते हैं ना जिस कयास में आपके सामने वाले दल कंफ्यूज रहे हैं, आपका जो मेन ओपोनेंट है वो कंफ्यूज रहे हैं, और यही तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो गलत, हाँ, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की और वो सफल हुई, और आज देखिए ना उसी का कारण है ना कि जेपी नड्डा सीधे पटना पहुंचकर सीएम आवास जाते हैं नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं कि जब सरकारी कार्यक्रम में दोनों नेताओं की मुलाकात होनी थी तो डायरेक्ट वहां सरकारी आवाज जाने की क्या जरूरत थी? सरकारी आवाज जाने की क्या जरूरत थी जी? तो इससे पहले भी जेपी नड्डा कई बार आए हैं, कई बार गए हैं, कई बार नहीं भी गए हैं नीतीश से, मतलब बंद कमरे में जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को आंख दिखाई, आंख नहीं दिखलाया, मनाया, कयास जो लगाए जा रहे थे उस पर विराम लगा दिया। मतलब ये कहा कि कुछ अभी ठहर जाइए, कोई खेला नहीं होने देना बिहार में। हाँ एग्जैक्टली, मतलब देखिए होता क्या है कि आप मान सम्मान देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को दिखलाते हैं कि देखिए हमारे नजर में यानी बीजेपी की नजर में आपके लिए मान सम्मान पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो जब मान सम्मान मिलता है ना तो कोई भी गठबंधन का सहयोगी दल जो है वो खुश रहता है कि चलिए सामने वाला मेरी सुनेगा, हम जो भी चाहेंगे वो करेगा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को आंख दिखला सके, लेकिन समझा सकती है। हाँ, समझा सकती है, मना सकती है, जरूरत है बीजेपी को, टीडीपी और जदयू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो सहयोगी दल है और मैंने कहा ना कि दोनों वैशाखी, दो वैशाखी हैं, एक तरफ जेडीयू है और एक तरफ टीडीपी है, और दोनों वैशाखी के बिना बीजेपी सरकार नहीं चल सकती है। और अब ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया में कुछ दिनों तक ये विराम, इन खबरों पे ये विराम लग जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आते हैं, बिहार दौरे पर आने के बाद वो फौरन नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात करने जाते हैं। तो कहें ये कि मुलाकात पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में होती है, फिर उन मुलाकातों ने कई कयासों को जन्म दिया, जिसके बाद से जेपी नड्डा को नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर उनसे
पर्सनल बातें करना पड़ता है। जिस तरीके से आए तो वो थे सरकारी कार्यक्रम को लेकर, चाहे वो अस्पताल के हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के हो, लेकिन आनंद फानंद में उन्हें नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात करने जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।